जय हिंद दोस्तों। आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जिसका नाम है ब्लू चिप स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर शेयर मार्केट के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर ये ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं और जो लोग इनको खरीदते हैं उनको इससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट के अंदर ये जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं ये ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जिनकी मार्केट में पहले से ही पकड़ बनी हुई होती है, एक अच्छी साख बनी हुई होती है। अक्सर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जो कि मार्केट में आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो होती हैं लीडिंग कंपनियां, यानी कि अपने जो सेक्टर है उनका, जिस भी सेक्टर में वो काम करती हैं वहां की वो लीडिंग कंपनियां होती हैं। जैसे आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो भारत के अंदर जो जियो है, जो कि रिलायंस का ब्रांड है, जियो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर ब्रांड है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह है। इसी तरीके से जो कंपनियां जिनके पास एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप होता है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रिसेशन आता है, कोई महंगाई दर ज़्यादा होती है देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो वहां पर वो अच्छे से अपने आप को मैनेज कर पाती हैं। इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो स्टेबल होती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी एकदम से नीचे आ जाएं, बहुत जल्दी एकदम से ऊपर चले जाएं। इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टेबल होती है और एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को दे के जाती है। ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनियां होती हैं, यानी कि टॉप पर होती हैं। ऐसी कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। जैसे भारत के अंदर हम बात करें तो भारत के अंदर जो HDFC बैंक है, बैंकिंग सेक्टर की एक कह सकते हैं ब्लू चिप स्टॉक कंपनी है। ये जो कंपनी है ये अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर यहाँ पर प्रॉफिट बनाकर देती है। एक लंबे समय तक अगर इसके अंदर आप अपने स्टॉक्स को लेते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा बेनिफिट, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है, उनके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकअप है, उनकी कह सकते हैं रिलायबिलिटी है, तो ऐसी जो कंपनियों के शेयर्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक कंपनीज या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स। दोस्तों भारत के अंदर इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC या फिर हमारा ले सकते हैं इंफोसिस हो गया, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके जो स्टॉक्स होते हैं उनको हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स, जिनको खरीद कर आपको जो लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि जो होती है हमारी वो सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आखिर शेयर मार्केट के अंदर ये ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक वाली कंपनीज क्या होती हैं। और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।